26 जैन को उनका शो हुआ था पुणे में, और उनको मैं उनको लाइव देखा वहाँ पे उनका शो में। वहाँ पे ऐसा होता था कि नासिक के जो भी बड़े बड़े जो नाम जिनका है म्यूज़िक टीचर्स वहाँ पे आते थे, पॉकेट मनी होता नहीं था कि मैं इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे होते हैं आज अगर अच्छे क्वालिटी में लेने जाओ तो मैंने एक म्यूज़िकल स्टोर में जॉब करना स्टार्ट कर दिया, और मैं बस उनको देखता ही रह गया। और उसके बाद मुझे और मोटिवेशन मिला है कि मैं आगे जाके और म्यूज़िक में कुछ और ज़्यादा कुछ अचीव कर पाऊँ, और एक मेरा ड्रीम था कि उनको मिलना। वेलकम टू पंकज घाटगे शो। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे गेस्ट है प्रितेश चौधरी सर, और वन ऑफ द राइजिंग स्टार फ्रॉम नासिक। तो उनके साथ हम बात करेंगे, जानेंगे उनकी पूरी एंटायर स्टोरी, और उन्होंने म्यूजिक का करियर कैसे स्टार्ट किया है, साथ ही साथ में वो बिजनेस कैसे कर रही है, सारी चीज़ों के आंसर देने के लिए आज हमारे शो पे है प्रितेश चौधरी सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रितेश है, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं नासिक से हूँ, और मेरे तीन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मैं लाइव म्यूज़िक करता हूँ, और गिटार रिपेयर सर्विसिंग का मेरा स्टोर है क्रॉसबर्ड सर्विस नाम से, और मेरा प्लांट्स का स्टोर है जिसका नाम मलबेरी गार्डन हाउस है। तो चलिए प्रितेश जी को पूछते हैं, उन्होंने म्यूज़िक की जो जर्नी थी वो कहाँ से स्टार्ट की है, उनकी क्या स्टोरी रही है। सो मैं प्रीतेश जी को पूछता हूँ, आप बताइएगा हमारे पूरे दर्शकों को कि आपने आपकी म्यूज़िक की जर्नी कैसे स्टार्ट की। बिल्कुल, तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बचपन से म्यूज़िक का शौकीन रहा, मुझे बहुत शौक़ था सुनने का, गाने सुनने का, और जैसे जैसे मैं 10th के बाद मैंने फिर म्यूज़िक करियर चूज़ किया। मैं लकी अली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनके ही गाने सुनते सुनते बड़ा हुआ, और मोस्टली उनके ही गाने सुन के मैं लाइव शोज़ वगैरह करता हूँ। तो आपने पहला गाना कौन सा सुना था जहाँ से आपको लगा कि मैं भी गिटार बजा सकता हूँ, मैं भी गाना गा सकता हूँ जैसे बाकी के लोग गाते हैं? एक मूवी था, सूर मूवी था ना, जिसमें जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, ये उनका सॉन्ग था, उनका कंपोजिशन था, वो सुन के मुझे इंस्पिरेशन मिला था। ओके, तो मैंने सुन के। तो आपके आइडल, आपके इंस्पिरेशन लकी अली है जी। तो अभी रिसेंटली आपने जो पुणे में उनके साथ मीटिंग की, या आपका जो कुछ भी वहाँ पे मीटअप हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, और लकी अली एक इंसान कैसे है, उनकी म्यूज़िक जर्नी कैसे रही है? 26 जैन को उनका शो हुआ था पुणे में, और उनको मैं उनको लाइव देखा वहाँ पे उनका शो में, और इट वाज फैंटास्टिक, और एक मेरा ड्रीम था कि उनको मिलना, और मैं बस उनको देखता ही रह गया। और उसके बाद मुझे और मोटिवेशन मिला है कि मैं आगे जाके और म्यूज़िक में कुछ और ज़्यादा कुछ अचीव कर पाऊँ। ओके, तो अभी जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आपने यू डिड मोर देन 100+ शो जी, तो आपने 100 से ज़्यादा शो किए हुए हैं, तो ये फर्स्ट शो का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जब पूरी पब्लिक आपको आपके तरफ देख रही थी, आपने आप स्टार्ट करने वाले थे, तो मन में क्या था, डर था या क्या चीज़ थी उस अंदर, एक आपके अंदर? पहली बार स्टेज पे था तो डर तो लगता ही ऑब्वियसली, क्योंकि पहला शो था, स्टेज का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट एक सर्टेन पॉइंट पे मुझे लगा कि हो जाएगा। ओके, तो 2-3 मिनट के बाद मुझे स्टेज की आदत हो गई तो मैं ओके तो पहला गाना जो आपने पब्लिक के सामने पेश किया था वो कौन सा था? वो एक एंथम सॉन्ग था, रोडीज एंथम सॉन्ग था, बनते हैं बिगाड़ते हैं कांटों से राह सजते हैं, इसके ऐसे लिरिक्स थे। ओके, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग भी रह चुका है
तो वो मेरा पहला शो था। ओके। आपने एक चीज यहाँ पे बताई है कि आपका खुद का बैंड है जिसमें आप सारी चीजें वर्कआउट करते हो, तो वो क्या है एग्जैक्टली? आपका बैंड का नाम क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप कैसे आगे उसको बढ़ाना चाहते हो? अगर किसी को आपके बैंड को ज्वाइन करना है तो वो कैसे कर सकता है? म्यूजिकल जर्नी मैंने जब स्टार्ट किया था तो फ्रीलांसिंग किया था, उसमें मेरे साथ बैंड में तो बैंड तो नहीं था मेरा, पर मैं सोलो आर्टिस्ट था जो मैं अकेला सिंगिंग और गिटार बजाता था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रुप में मैंने प्ले करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर कहीं पे मुझे बैंड के साथ परफॉर्म करना था तो मैं अलग अलग आर्टिस्ट हायर करके उनको बुलाता था, तो उनके साथ मैं परफॉर्म करता था। और रिसेंटली अभी मैंने एक महीना हो गया मुझे, मैंने अपना बैंड फॉर्म किया है। ओके, उसका नाम क्या है? सफर नाम है उसका। सफर नाम है। इट्स ऑल अबाउट जर्नी ऑफ म्यूजिक। ओके, इट्स ऑल अबाउट जर्नी ऑफ म्यूजिक, दैट्स ग्रेट। सो प्रितेश जी, अभी आप म्यूजिक में क्या कर रहे हो? अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने सफर बैंड रजिस्टर किया है, सो इट्स बेसिकली मेरी म्यूजिकल जर्नी होने वाली है, तो देखते हैं मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। ओके, तो आपने मोर देन यू डिड 100 शो, ठीक है, तो लोगों का आपके प्रति कैसा फीडबैक आता है जब आप परफॉर्म करते हो, आप सॉन्ग गाते हो, पीपल इमोशनल हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने सुना है आपके स्टोरी से, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज ए म्यूजिशियन? इट वॉज वेरी फैंटास्टिक। जैसे जॉनर होता है, मतलब जिस टाइप के सॉन्ग्स मैं परफॉर्म करता हूँ वैसा फीडबैक मुझे जब मिलता है तो मुझे भी खुशी होती है, और मेरा यही मैं यही कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा मेरा परफॉर्मेंस दे सकूँ लोगों को। ओके, तो आपने आपके पहले शो के बारे में बताया, आपने आपके बैंड के बारे में बताया, लेकिन मैं जहाँ से देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट देयर जर्नी एज ए म्यूजिशियन, एज ए गिटारिस्ट, एज ए सिंगर, एज ए डांसर, सो ये सारे लोगों के फैमिली उनको उतनी सपोर्ट नहीं करती है, तो आपके केस में, आपके स्टोरी में आपके फैमिली ने आपको कैसा सपोर्ट किया है? मेरी भी कोई ऐसी अलग स्टोरी नहीं है, जो यूजुअली होता ही वही है, जैसे पेरेंट्स नहीं ऐसे सब चीज़ों के लिए नहीं बोलते हैं क्योंकि अपने यहाँ पे म्यूज़िक को इतना ये नहीं माना जाता, या फिर कोई भी आर्ट रिलेटेड चीज़ हो उसको इतना ये नहीं होता, बट एक सर्टेन पॉइंट पे तुम कुछ अचीव कर लेते हो तो फिर उनको भी कुछ दिखाई देता है कि हाँ इसमें ग्रोथ है, उनको भी दिखता है, तो वो कुछ नहीं बोलते, वो भी सपोर्ट करने लगते हैं। सो प्रितेश जी, मेरे भी बहुत सारे आर्टिस्ट दोस्त लोग हैं, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम उनके फैमिली वाले रिश्तेदार लोग पूछते हैं कि भाई तू अच्छा गिटार बजा लेता है, अच्छा सॉन्ग गा लेता है, लेकिन उसके अलावा तेरे को करियर पे फोकस करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कर रहे, उस ऐसा क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई गिटार बजा लेते हो उसके अलावा क्या करते हो, तो कभी आपके फैमिली ने ऐसा कुछ क्वेश्चंस या फैमिली फ्रेंड ने आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे, या फ्रेंड सर्कल आपका कैसा रहा, फैमिली का आपके केस में पूरे स्टोरी में कैसा सपोर्ट रहा? बिल्कुल, मेरी भी कोई ऐसी अलग स्टोरी नहीं है जो सबकी होती है। मुझे भी स्टार्टिंग में ये करियर चूज़ करने के बाद मेरे फैमिली ने इतना सपोर्ट नहीं किया जितना इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर डॉक्टर बनने के लिए जो कोशिश करते हैं उनको सपोर्ट मिलता है, तो उसका रीज़न वही कि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी इस बारे में कि म्यूज़िक में करियर, आर्ट रिलेटेड कुछ चीज़ों में करियर नहीं होता है, तो फैमिली फ्रेंड्स आजू बाजू तो लोग बोलते ही है कि ये मत करो। ओके, बट मैं अभी तक उस पर ही रहा। तो ओके, तो आपके केस में आपके फैमिली ने कभी ऐसा बोला कि आप स्टडी पे फोकस करो, गिटार मत बजाओ, लाइव शो के लिए मत जाओ, मतलब शुरुआत के दिनों में आपके लिए मतलब कितने लोग आपको अपोज कर रहे थे, और अभी का सीन क्या है, अभी लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं? तो इसमें बहुत सारा चेंज आया है अभी। पहले इसमें सपोर्ट नहीं करते थे, कोई भी डिमोटिवेट करना, फिर ये करियर इतना आगे नहीं जा सकते हो तुम लोग, ऐसे फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जो भी सराउंडिंग लोग थे वो इस चीज़ को लेके बहुत नेगेटिव थे। ओके, लेकिन अभी का क्या है? अभी सक्सेसफुल शोज हो रहे हैं सब जगह पे, अच्छा नेटवर्क हो गया नासिक में। ओके, और लाइव शोज तो फैमिली को दिख रहा है, अपना लड़का अच्छा कर रहा है, उसकी सारी शो अभी हो रहे हैं, उसने खुद का बैंड अभी लॉन्च किया हुआ है, उसके साथ ही साथ बिजनेस भी वो रन कर रहा है, तो अभी आपकी फैमिली आपके साथ सपोर्ट में खड़ी है? हाँ, तो कहीं पे उनको लग रहा है कि अभी कुछ सक्सेस इसको मिल रहा है, तो फिर उनको भी दिखाई दे रहा है, तो अभी वो सपोर्टिव है मुझे। ओके, ऐसा कुछ नहीं, पेरेंट्स है वो भी कुछ हमारा बुरा नहीं चाहता है,
वो तो अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन जब तक आप कुछ पा नहीं लेते, कुछ सक्सेस नहीं पा लेते, तब तक वो भी कंफ्यूज स्टेज में रहते हैं कि इनको सपोर्ट करना है या नहीं करना है या अपोज करना है। बिल्कुल, जब तक उनको दिखता नहीं, रिजल्ट्स नहीं दिखते तब तक वो हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। जब एक पॉइंट पे लगता है उनको कि हाँ ये कुछ अचीव कर रहा है, तो वो खुद होके तुम्हें, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बाय करने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाय करने के लिए उन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है, तो ऐसी सब चीज़ें होती है। ओके, तो अभी आपने बताया कि आपकी जर्नी स्टार्ट हुई लकी अली को आप आपके मेंटोर मानते हो, ठीक है, आप फॉलो करते हो, वन ऑफ योर इंस्पिरेशन। तो आपने कहाँ से म्यूजिक की जो सारी आपकी स्टोरी है कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ आपने क्लास ज्वाइन किया, या आपके जो स्टार्टिंग के जो दिन थे जब आपने शुरुआत की थी, तब का प्रीतेश और आज का प्रीतेश में क्या डिफरेंस है, या आप कितने कितने लोगों को फॉलो कर रहे हो, कैसे आप सीख रहे हो? म्यूज़िक सीखना था, बट मुझे पता नहीं था कि उसका प्रोसीजर क्या होता है, कहाँ सीखते हैं, कौन टीचर्स अच्छे हैं नासिक में। पर अगर तुम कुछ सोचो कि हम तुम्हें कुछ करना है, उससे रिलेटेड कुछ करना है, तो वो रास्ता तुम्हें लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसे रीजंस मिलते गए, ऐसे मुझे फ्रेंड्स मिलते गए जो म्यूज़िक से कनेक्टेड है, जिन्होंने मुझे इसमें हेल्प किया कि तू ये क्लास ज्वाइन कर सकता है, यहाँ आ जा सकता है। तो मैंने नासिक में क्लासेस सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो नासिक में एक अच्छा नाम है जिनका नरेंद्र पुली सर नाम है, ईस्टर्न वेस्ट म्यूज़िक गुरुकुल एकेडमी चलाते हैं, मैं उनके पास गिटार ज्वाइन किया, गिटार क्लासेस उनके पास मैंने ज्वाइन किए, और वोकल्स भी मैंने गिटार पे ही सीखा है। तो उन्होंने मुझे टेक्निकल नॉलेज जो होता है म्यूज़िक के बारे में, जो स्किल्स होते हैं म्यूज़िक में, क्या मोड्स होते हैं, वो उन्होंने मुझे सिखाया। तो बहुत लोगों को म्यूज़िक के जर्नी स्टार्ट करनी है, सिंगिंग है या गिटार है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन आपके स्टोरी में मैंने जब आपसे जाना, तो आपने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शॉप पे जॉब किया था बिकॉज यू वांट टू लर्न दोज थिंग्स, तो वो क्या स्टोरी है आप ज़रा बताइएगा। उसका ऐसा था कि मैं जब कॉलेज कर रहा था, मेरा लास्ट ईयर था, तब मैंने सोचा कि मेरे पास तभी इतना पॉकेट मनी होता नहीं था कि मैं इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे होते हैं आज अगर अच्छे क्वालिटी में लेने जाओ तो मैंने एक म्यूज़िकल स्टोर में जॉब करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे मुझे परचेसिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में मुझे जॉब मिला। वहाँ से मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला और म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला, और वहाँ सिंगर्स आते थे तो उनसे मैं एक एक लेसन्स लेता था, एक एक लेसन सबसे लेता था मैं। ओके, तो मैंने ऐसे सीखना स्टार्ट, मतलब आप पहले से जुगाड़ू वृत्ति के हो, आपने बहुत सारे जुगाड़ करके म्यूजिक की जर्नी आपने यहाँ तक आए हैं आप। ओके, दैट्स गुड। अभी आगे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। जैसे आपने बताया कि लकी अली इज वन ऑफ योर गुरु, और नासिक के भी आपने कुछ क्लासेज ज्वाइन किए, लेकिन जब आप इंडिविजुअल परफॉर्म करते हो और एक टीम में परफॉर्म करते हो, तो क्या लगता है कि नासिक के जितने भी यंग आर्टिस्ट है, बच्चे है जो कुछ कर पाना चाहते हैं, उनको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो उनके साथ ग्रुप बनता है, तो फिर कैसे, मतलब वो आपके साथ ऐसा कुछ ग्रुप बना जिससे लाइक माइंडेड पीपल सब एक जुकट्टा हो गए और उसमें से कुछ आपने कुछ क्रिएट किया? जी, जो ऐसा सोचते हैं कि म्यूज़िक नासिक में जो भी आर्टिस्ट लोग हैं उनका ऐसा कहना कि नासिक में कुछ होगा नहीं, ऐसा उनका वो लैक करते हैं कहीं पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम थोड़ी मेहनत लो और थोड़ा मार्केटिंग पे ध्यान दो तो फिर तुम्हें सक्सेस। ओके, सो आप खुद के पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा आपका कहना है एज ए आर्टिस्ट? हाँ, सोशल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग सोशल मार्केटिंग और नेटवर्किंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो प्रीतेश जी, हर एक यंग बंदे का खुद का एक सॉन्ग होता है, जो वो बंदा जब वो सॉन्ग सुनता है तो उसके अंदर से एक एनर्जी आते है, डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, लेकिन जब आप वो एक सॉन्ग परफॉर्म करते हो तो अंदर से आपको एक अलग से एनर्जी आती है, तो आप वो सॉन्ग हमारे साथ शेयर कर पाएंगे आज? बिल्कुल। ओके, बनते हैं बिगाड़ते हैं रातों से दिन उलझते हैं यहाँ गिरते हैं संभलते हैं कांटों से राह सजती है यहाँ थोड़ी सी धूप का
तरह को पाती फासले जब ऐसे बुलाए बस चले हम मंजिलों की किसको है पाड़ी। That's great. तो प्रीतेश जी अभी आप 100 प्लस आपने शो किए हुए हैं, सारी चीज़ों के ऊपर आप अभी वर्कआउट कर रहे हो, तो क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, आपके इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या क्या है? जैसे आर्टिस्ट लोगों का चैलेंज म्यूज़िक फील्ड में बेसिकली कि इंस्ट्रूमेंट्स जो होते म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वो बहुत महंगे होते पहले, तो सब लोग अफोर्ड कर पाएंगे ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे लगते, तो मैं वो एक फाइनेंशियल जो होता है वो एक इशू होता है। और उसके बाद हो गया तो कुछ लोग के पास मतलब टैलेंट होता है पर वो ओपन अप नहीं होता है, वो स्टेज डेयरिंग नहीं होती है, वो स्टेज पे जाने पे कतराते हैं। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो गली अभी हर गली गली में आर्टिस्ट है पर वो बाहर नहीं निकलते, तो उन्होंने बाहर निकलना चाहिए। ओके, उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना चाहिए, उन्होंने यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया मार्केटिंग का थोड़ा हेल्प लेना चाहिए, इस आपका कहना है? बिल्कुल। ओके, तो सोशल पे भी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो एक बेटर एक वे है लोगों तक पहुंचने का। ओके, जो आपको असाइनमेंट्स आते हैं, वर्क के असाइनमेंट रहते हैं, तो वो किस जरिए से आते हैं? मतलब सोशल मीडिया से ऐसा कभी हुआ है कि आपका गाना आपने रिकॉर्ड किया और इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट किया है और वही सुन के आपको एक लोगों ने कुछ इन्वाइट किया उनके शो पे या बैंड पे, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, ऐसा होता है। जो भी मेरे शोज़ होते हैं उसका मैं अपडेट पहले ही दे देता हूँ कि मेरा कहाँ शो होने वाला है, और दो तीन दिन के बाद फिर मुझे इंक्वायरीज आना स्टार्ट होता है कि इसका एक फ़ायदा है कि आप कंटिन्यूस कोई सोशल पे आप पोस्ट करते हैं, एक्टिव हो, हाँ। एक्टिव हो तो आपको तुरंत उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। ओके, तो प्रीतेश जी एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आगे आपका ड्रीम क्या है, गोल क्या है, या आपने क्या अभी 2019 के लिए आप प्लान कर रहे हो? आपका बैंड सफ़र है, उसके कुछ टारगेट्स है क्या, पर्सनल बिजनेस के कुछ टारगेट्स है क्या, तो आपके लाइफ लॉन्ग गोल्स क्या है? जी मेरा मिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ मेरे म्यूज़िक से, उनको इंस्पायर करते रहूँ और होप कि उनको पसंद आए मेरा म्यूज़िक, और उसमें मेहनत करता रहूँगा, खुद को इम्प्रूव करता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक स्प्रेड करके पीस क्रिएट कर सकूँ। ओके, तो अभी तक आपने कुछ सॉन्ग लिखे हैं, कब रिलीज़ होने वाले हैं, आपका खुद का एल्बम कब आएगा, 19 में 20 में कैसे, क्या आपका फ्यूचर प्लान है? बिल्कुल, जब मैंने सफ़र बैंड स्टार्ट किया है तो मैंने उसमें कुछ कंपोजिशन स्टार्ट किए लिखना, तो जैसे ही हो गया उसके अपडेट्स सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आ ही जाएंगे। प्रीतेश जी, हम इंटरव्यू के एंड में आ चुके हैं, आप हमारे आज शो पे आए, ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। तो आज की यूथ जो है जिसके पास बहुत एनर्जी, पैशन, डेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक बंदे को या किसी को आर्टिस्ट बनना है तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि एज अ म्यूज़िक आर्टिस्ट बनने के लिए अपने पास सारे सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन लोगों को वो पता नहीं होता है, उसकी अवेयरनेस नहीं होती, किसी okay. को पता नहीं चलता कि नासिक में ऐसे बहुत सारे म्यूज़िक क्लासेस हैं और ट्रिनिटी लंदन यूनिवर्सिटी का सेंटर भी है जहाँ पे आप टेक्निकल म्यूज़िक हर जॉनर का सीख सकते हो, और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है जहाँ आप पर्सनली किसी को जाके म्यूज़िक करियर बारे में अगर पूछना है कि क्या ये करियर में कैसे आगे जाना है okay. तो ऐसे भी सारे सोर्सेज अवेलेबल है नासिक में, तो और मैं भी हूँ, अगर मेरा भी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करके ओके okay, तो हम डेफिनेटली आपका इंस्टाग्राम का पेज जो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अभी देंगे डेफिनेटली। तो सबको यही कहना है कि यू टू स्टार्ट योर जर्नी एज अर्ली एज पॉसिबल। तो प्रीतेश जी से आज हमारी मुलाकात हुई, आज शो पे हमारे आए थे, उन्होंने जैसे उनकी जर्नी स्टार्ट की है, उनका बैंड है, बिजनेस है, लाइव शोज है, अगर उनको उनके साथ आपको कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दी है, जस्ट चेकआउट। और दोस्तों इसी के साथ हम आज का इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं नासिक के जितने भी ज़्यादा लोग हैं जो कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे मैं लेके आऊँगा, जस्ट बी इन टच विथ मी।